नमस्कार, मैं डॉक्टर लवदीप डोगरा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, आज मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से आज सबके साथ जुड़ रहा हूँ। आज मैं बात करेंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि परमानेंट किडनी डिजीज यानी कि स्थायी रूप से किडनी का काम करना कम हो जाना, बंद होना नहीं कम हो जाना तक ही बात कर रहा हूँ। उसके लक्षण क्या क्या है, कैसे हम उसको पहचाने, क्या हम सिर्फ गूगल यूट्यूब व्हाट्सएप देख के डरते रहें या फिर हम उसको पहचान भी सकते हैं कि वो है भी या नहीं। भ्रांतियां बहुत हैं, समझने को ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है समझना। अगर किसी की किडनी खराब हो रही है तो सबसे पहला लक्षण जो उसको आएगा वो होगा शायद रात को बारी बारी पेशाब आना। इससे तो काफी सुन के डर लगता है क्योंकि प्रोस्टेट के मरीजों में भी रात को पेशाब ज्यादा आता है, डायबिटीज जब अनकंट्रोल होती है तब भी मुंह सूखता है, बारी बारी पेशाब आता है, कुछ लोगों को आदत भी होती है रात को बारी बारी उठ के पेशाब करने की, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। परंतु रात को पेशाब का आना, बारी बारी पेशाब आना नॉर्मल लोगों में यदि ये सब कुछ नहीं है तो किडनी की डिजीज का पहला लक्षण होता है। जी हाँ, पहले पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे भूख ना लगना या फिर मन ना लगना खाने में, कुछ काम करने का मन ना लगना, अब पहले जैसा मन नहीं लगता काम में और दिनचर्या में, नींद ज्यादा आना या फिर और परेशानियां होना, नींद ज्यादा आना या फिर ऐसा लगना कि अब काम में मन नहीं लग रहा, जल्दी थक जाना, अपने काम से मन हट जाना, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी में दिख रहे हैं तो हमें यह सोचना जरूरी है कि कहीं किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। माना थायराइड की भी हो सकती है, लिवर की भी हो सकती है, परंतु इन सब जांचों के बीच में कहीं किडनी की जाँच को मत भूलिएगा। आमतौर पर जब भी हम रूटीन टेस्ट कराते हैं तो हम शायद तीन जांचों के बारे में ही बात करते हैं, डॉक्टर साहब हीमोग्लोबिन कितना आया, शुगर कितनी आई, और उसके बाद हम सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना है। परंतु ये जानना जरूरी है कि दो और जांचें हैं जिनके बारे में हमें गौर करना आवश्यक है, एक क्रिएटिनिन का बढ़ जाना और दूसरा यूरिन में प्रोटीन जाना। यदि ऐसा जा रहा है तो उसके बारे में सतर्क होना, अपने डॉक्टर से बात करना और उचित राय लेना जरूरी है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए लक्षणों के अंदर पैरों में सूजन आना, बैठते हुए शाम तक पैरों पे, सुबह उठते हुए मुंह पे, आंखों पे सूजन लगना, पेशाब कम हो जाना, उल्टियां आना, दौरे छूटना जैसे बड़े एवं गंभीर लक्षण भी आ सकते हैं। अब इस प्रकार के गंभीर लक्षण आने तक का इंतजार करना मेरे ख्याल से इस जमाने में उचित नहीं है। क्रिएटिनिन की जांच अच्छी जगहों पे 100 से 125 रुपए के बीच हो जाती है। क्या हम इतनी इंतजार करें कि हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लक्षणों की आने की जरूरत पड़े, या फिर हम सिर्फ ऐसे ही लक्षण बीमारी को पकड़ लें जब वो गोलियों से ठीक हो सके। जी हाँ, किडनी की बीमारियों का इलाज संभव है। जागरूक रहें, जागरूकता फैलाएं एवं लोगों में सही खबर को पहुंचाएं। धन्यवाद।